आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उज्ज्वल भारत ने उज्ज्वल भविष्य 2047 योजना के अंतर्गत नाला प्रखंड मुख्यालय में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक रविन्द्रनाथ महतो मौजूद हुए। उनके कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही फूलों की बौछार की गई, साथ ही बुके देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज, डीआरडीए निदेशक जावेद अनवर इदरीसी, चीफ इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंद्रपुरा सुबोध कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक डीवीसी मैथन अभय कुमार श्रीवास्तव आदि पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय मैथन के छात्र छात्राओं के द्वारा विद्युत नेटवर्क शुद्धिकरण पर आधारित नुक्कड़ नाटक तथा DDSTADA के माध्यम से बिजली समस्या को दूर करने को लेकर उपभोक्ताओं की सुविधा पर आधारित नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य नृत्य प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत ही आकर्षक रहा। में विधानसभा अध्यक्ष ने घंटों बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा का महत्व हर क्षेत्र में होता है। कहा कि जिस क्षेत्र में ऊर्जा का पहुंच नहीं है वो विकास वहां विकास अधूरा माना जाता है। उन्होंने कहा कि समुचित विद्युतीकरण नहीं होने से बड़े बड़े उद्योग की स्थापना भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नाला क्षेत्र में बिजली प्लांट की अधिष्ठापन की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्त को 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया। अपने संबोधन में ये भी कहा कि प्लांट का अधिष्ठापन हो जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लोगों को 7 दिन में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की आवश्यकता को देखते हुए हमारे प्रयास से 300 गांव में विद्युतीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कल के कैबिनेट में नाला विधानसभा क्षेत्र के कुंडहित ब्लॉक अंतर्गत भेड़ुआ गांव में पावर हाउस स्थापना का प्रस्तावना पारित किया गया। डीवीसी मस्तान जोर हमारे नियंत्रण में नहीं है, जबकि 19% कोयला उत्पन्न झारखंड में ही होता है जिससे पावर हाउस चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट आदि फैक्ट्री के अधिष्ठापन का सारे मापदंड पूरे करता है, इस क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट बन सकता है, इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने डीवीसी का बकाया चुकाया और विद्युत बाधित होने के लोगों को राहत पहुंचाई। कहा कि डीवीसी हमारे जमीन पर है, झारखंड की भूमि पर है। इस अवसर पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने भी संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दौरान बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने भी बिजली से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी। मौके पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज, डीएसपी मनोज कुमार झा, चीफ इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुबोध कुमार गुप्ता, उप महाप्रबंधक डीवीसी मैथन अभय कुमार श्रीवास्तव, बिजली विभाग के एसडीओ विशाल शंकर, बीडीओ कौशल कुमार, प्रखंड प्रमुख कल्लावती मुर्मू, उप प्रमुख बोमनाथ मंडल, बिजली विभाग के अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सेविका, सहायिका, जलसहिया आदि कर्मी मौजूद थे। कुंडई से चंचल गिरी की रिपोर्ट। जन भागीदारी बहुत ज्यादा थी और तमाम पदाधिकारी, जिला से पी सी साहब, हमारे डीपीसी साहब और आपका डीवीसी के तमाम पदाधिकारी लोग सब आए हुए थे और हम लोग एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ताकि हम नाला कुंड फतेहपुर का इलेक्ट्रिक का व्यवस्था जो है वर्तमान में इससे बेहतर कैसे कर सकते। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।